हरे कृष्णा, टीवी तो देखते ही होंगे, है ना? हर कोई देखता है, रिमोट के लिए झगड़ा भी होता है। कुछ लोग तो केवल चेक करने के लिए देखते हैं कि टीवी चल रहा है या नहीं, जबकि कुछ लोग एक साथ दो तीन चैनल देख लेते हैं एड्स अर्थात विज्ञापन की वजह से। आज के इस आधुनिक युग में टेलीविजन एक सबसे बढ़िया और सस्ता मनोरंजन है। टेलीविजन शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द टेली और लैटिन भाषा के शब्द विजियो को मिलाकर बना है। टेली का मतलब होता है दूर और विजियो का मतलब होता है देखना। टेलीविजन के माध्यम से हम विश्व भर की सभी जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं तथा इससे हमको कई प्रकार का ज्ञान भी मिलता है। इस व्यस्त दुनिया में हम जब अपने पड़ोसियों के बारे में पूरी जानकारियां नहीं रख पा रहे हैं, वहीं घर बैठे बैठे टेलीविजन पर समाचार के माध्यम से हम अपने मोहल्ले से लेकर राज्य तथा राज्य से लेकर विश्व तक के हर खबर के विषय में जान पाते हैं। दुनिया में शांति और सुरक्षा के खतरों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने और दूसरे महत्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक मसलों पर ध्यान केंद्रित करने में टीवी की बढ़ती भूमिका को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन डे के रूप में मनाने का संकल्प 17 दिसंबर सन 1996 को लिया था। विश्व के ऊपर टेलीविजन के प्रभाव को देखते हुए ही इस दिन की महत्ता का प्रभाव बढ़ा है और इसे विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। टेलीविजन को जनता को प्रभावित करने में एक प्रमुख साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। दुनिया की राजनीति के ऊपर इसके प्रभाव और इसकी उपस्थिति को किसी भी रूप में इनकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में यह मनोरंजन और ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत हो चुका है, लेकिन साथ में यह भी माना जा रहा है कि इसके नकारात्मक प्रभाव भी दृष्टिगत हो रहे हैं। टीवी पर कई ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ गलत प्रभाव डालते हैं। टीवी पर दिखाए जाने वाले हिंसक विषय से बच्चे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उनका दिमाग भी उसी दिशा में सोचने लगता है। इन हिंसक कार्यक्रमों से बच्चे विक्टिम को लेकर परेशान हो जाते हैं। वे खुद को भी उसी परिस्थिति में सोचकर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। छोटे बच्चे हिंसक प्रोग्राम देखकर एग्रेसिव व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। टेलीविजन में दिखाए गए दृश्यों की वजह से पैसों का लालच भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे लोग किसी भी तरह के अपराध करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। परंतु प्रारंभ में ऐसा नहीं था। हमारे देश में टीवी की शुरुआत सन 1980 और 90 के दशक से प्रारंभ हुई, जब रामायण, महाभारत, हम लोग, बुनियाद और भारत एक खोज जैसे धार्मिक, पारिवारिक व सामाजिक विषयों को लेकर बनाए गए हिंदी धारावाहिक घर घर देखे जाते थे। ये कार्यक्रम न केवल राष्ट्रीय एकता के सूत्र बने, अपितु इन्होंने लोगों की धार्मिक निष्ठा को भी और भी ज्यादा प्रगाढ़ किया था। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत में निभाए गए श्री राम, सीता माता और भगवान श्री कृष्ण के नायकों को तो जनसमूह सच में भगवान मानकर उनकी आरती उतारने लगा था। वहीं आज टीवी में ऐसे कार्यक्रम और विज्ञापनों की भरमार है जो उन्मुक्त वासना, हिंसा, अपराध, लालच, ईर्ष्या जैसी हीनतम प्रवृत्तियों को आधार मानकर चल रहे हैं। आधुनिकता के नाम पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी परोसा जा रहा है, उसका भारतीय जीवन व संस्कृति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे कार्यक्रम न सत्य हैं और न ही इनमें समाज को शिव और सुंदर बनाने की कोई सामर्थ्य है। वे केवल TRP के जरिए पैसा कमाना अपना उद्देश्य बना चुके हैं। दरअसल यदि देखा जाए तो टीवी हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह, यह पूर्णतया हम पर ही निर्भर करता है। जैसे एक चाकू, यदि वो एक सर्जन के हाथ में है तो उससे एक रोगी की जान बचती है, परंतु यदि वही चाकू एक डाकू के हाथ में है
तो वो चाकू किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में लिए गए निर्णयों से ही हमारे जीवन की गति व दिशा निर्धारित होती है। इसलिए समाज के गणमान्य लोगों, माता पिता और अन्य परिवारजनों को आगे आकर एक व्यवस्थित योजना के साथ अपनी वर्तमान पीढ़ी को सुसंस्कृत बनाने का बीड़ा उठाना होगा। और इसी दिशा में इस्कॉन द्वारा किया गया एक प्रयास है हरे कृष्णा टेलीविजन, जो हमारी वैदिक संस्कृति व सभ्यता का प्रचार कर रहा है, जिसमें सात्विक रसोई का खजाना है, जिसमें आप रोज नए नए व्यंजन सात्विक रीति से बनाना सीख सकते हैं। इसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए कार्यक्रम है, जिसमें नैतिक कहानियों से, कथाओं से हम जीवन को, इसके संघर्ष को और भी अधिक गहराई से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, इस मानव जीवन के मूल्य को जानकर समस्त विश्व में वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। अतः इस विश्व टेलीविजन दिवस पर आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप इसके मूल उद्देश्य को जानें व टीवी पर ऐसे चैनलों को देखें जिससे आप अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपने जीवन, परिवार व अपने रिश्तों के और भी करीब आ सकें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।